हेलो एवरीवन, आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जुरासिक वर्ल्ड इवोल्यूशन गेम के बारे में जरूर सुना होगा। यह गेम इसी महीने की 12 तारीख को मतलब 12 जून को यह गेम पूरी दुनिया के लिए पीसी, PS4 और एक्सबॉक्स के लिए रिलीज हो चुका है। तो आज हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो जुरासिक वर्ल्ड इवोल्यूशन गेम, यह गेम इसी महीने की 12 तारीख को मतलब 12 जून को पूरी दुनिया के लिए तीनों बड़े डिवाइस के लिए रिलीज हो चुका है। मगर यह गेम पिछले साल अगस्त के महीने में अनाउंस हुआ था, मगर यह गेम इस साल इसी महीने में रिलीज हो चुका है। तो आप इस गेम को खेलना चाहते हैं, आप इसे PC, PS4 या एक्सबॉक्स वन तीनों ही कंसोल पर, किसी भी एक कंसोल पर इस गेम को आप खेल सकते हैं। और इस गेम की स्टीम पर, विंडो की स्टीम के प्राइस की बात करें तो इस गेम की प्राइस लगभग 3,450 रुपये के करीब है। मतलब आप इस गेम को खेलना चाहते हैं, इसको गेम को खेलने के लिए आप लगभग 3,400 रुपये आपको खर्च करने होंगे, उसके बाद आप इस गेम को खेल सकते हैं। और इन गेम की बात करें, इस गेम की स्टोरी की बात करें तो यह एक बिल्डिंग गेम है। इसके अंदर हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ बनानी पड़ती है, जैसे हमें पूरे वर्ल्ड का मैप दे दिया जाता है। इसके अंदर हमें अलग अलग देश के अंदर जाकर हमें अलग अलग चीज़ बना सकते हैं, जैसे हम किसी देश के अंदर जाकर कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत सारे वहाँ पर डायनासोर लगा देते हैं। यही इस गेम की पूरी ज़्यादा स्टोरी है कि हमें इसे एक जुरासिक पार्क की तरह दिखाना होता है कि हम इस गेम में जो चाहें वो बना सकते हैं। इसके अंदर हम भेड़, बकरी, गाय, भैंस, यहाँ तक डायनासोर कुछ भी बना सकते हैं, कोई दीवार बना सकते हैं, कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, तो कुछ भी, जैसे आप माइनक्राफ्ट गेम के अंदर खेलते हैं उसी प्रकार इस गेम के अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं। और इस गेम की बात करें तो इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के हैं। मतलब आप इस गेम के ग्राफिक्स एकदम रियलिस्टिक ग्राफिक्स जैसे महसूस करेंगे। तो आपको इस गेम को खेलना है तो आप इसे स्टीम पर जाकर विंडो के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसे प्ले स्टोर में खेलना चाहते हैं, एक्सबॉक्स में खेलना चाहते हैं, आप इसे उनके लिए भी खरीद करेंगे इस गेम को, अपने किसी भी तीनों डिवाइस के अंदर किसी भी गेम के अंदर खेल सकते हैं। और इसकी विंडो पीसी की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, आप गेम को मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट में खेलना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, तो आपके पास इंटेल कोर i5 का सेकेंड जनरेशन 2.3 GHz का प्रोसेसर चाहिए, 8 GB रैम चाहिए मिनिमम के लिए, आपको इसमें 8 GB रैम चाहिए, और GTX का 1050 का ग्राफिक कार्ड चाहिए, और 10 GB की आपको इसके अंदर हार्ड डिस्क की जरूरत होने वाली है। और हम हेवी ग्राफिक्स की बात करें तो उसके अंदर आपको 12 GB की हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी, और रैम की बात करें तो उसके अंदर आपको पूरी 12 GB की रैम, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेसर इसके अंदर लगने वाला है, और i7 का 4th generation का इसके अंदर प्रोसेसर चाहिए। मतलब एक नॉर्मल CPU के अंदर इसे नहीं करते, और हेवी के अंदर ग्राफिक्स की बात करें तो आप इसके अंदर 1060 का ग्राफिक कर चाहिए। मतलब यह एक बहुत ही महंगा पड़ने वाला गेम है, इसके लिए आपको बहुत ही दमदार CPU की जरूरत है। तो आपको यह गेम, उस गेम ग्राफिक्स पसंद आते हैं, उस गेम की स्टोरी पसंद आती है, तो आप इसे स्टीम पर जाकर खरीद सकते हैं। तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन।